कंडक्ट दिस फाइन। वेलकम यू ऑल इन ऑनलाइन लेक्चर ऑफ द इलेक्ट्रिकल मशीन वन। टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट सिंगल फेज इंडक्शन मोटर एंड इट्स डिफरेंट टाइप्स। व्हाई सिंगल फेज इंडक्शन मोटर इज नॉट अ सेल्फ स्टार्ट मोटर? देन व्हिच मेथोडोलॉजी वी हैव टू अडॉप्ट टू मेक सिंगल फेज इंडक्शन मोटर सेल्फ स्टार्ट? सो लेट अस डिस्कस हियर The single phase induction motor operation can be described by two methods. The first one is double revolving field theory and the second one is cross field theory. As three phase induction motor is a self starting motor, but single phase induction motor is not self starting because single phase current produces two opposite torque with equal magnitude. Therefore, resultant torque for single phase current will be a zero. So let us discuss here. The stator of the single phase induction motor is wound with single phase winding. When the stator is fed single phase supply, it produces alternating flux which alternates along one axis. The alternating flux acting on squirrel cage rotor cannot produce rotations, only revolving flux. That's why single phase induction motor is not a self starting. और मैं आप लोगों को एक सिंपल इसमें बताना चाहता हूँ कि why single phase induction motor is not self starting, because alternating current will produce two forces, one in clockwise and second one is anti-clockwise. Therefore, the resultant flux will be a zero. Resultant torque will be a zero. यदि हमें इसको self start करना है, तो हमें कोई भी एक टॉर्क जो है पॉजिटिव टॉर्क को या नेगेटिव टॉर्क को कम ज्यादा करना होगा ताकि उनका जो रिजल्टेंट है वो जीरो नहीं आना चाहिए. तो हम लोग इसमें क्या करने जा रहे हैं, वी आर गोइंग टू डोमिनेट नेगेटिव टॉर्क. जो एंटी क्लॉकवाइज जो टॉर्क है उसको हम लोग डोमिनेट करेंगे काउंटर क्लॉकवाइज. ओके, तो यहाँ पे उनको डोमिनेट करने के बाद में जो रिजल्टेंट है वो जीरो नहीं आएगा और जो फोर्स ज्यादा रहेगा उसी डायरेक्शन में मोटर रोटेट होगी. सो फॉर दैट वी हैव टू शिफ्ट the winding physically 90 degree as well as we have to create the phase shifting electrically 90 degree or whatever it may be. Abhi phase shift create karna hai, to phase shift create karne ke liye we can use different types of the materials. Materials means just like the resistance, capacitance and inductance. So isi tarah se phase shift jo hota hai wo change hota hai. Aap sabhi ko pata hai रेजिस्टेंस में जो होता है, रेजिस्टिव लोड जो होता है, इन रेजिस्टिव लोड द वोल्टेज एंड करंट आर इन फेज, दैट मींस देयर इज नो फेज डिफरेंस. ओके, फेज डिफरेंस है क्या? नहीं है. इफ यू वांट टू क्रिएट अ फेज डिफरेंस देन ऑब्वियसली वी हैव टू यूज आइदर कैपेसिटर और आइदर इंडक्टर. आप सभी को पता है फॉर द कैपेसिटिव लोड, यस, व्हाट इज द रिलेशन ऑफ द वोल्टेज एंड करंट? यस, एनीबडी फ्रॉम योर क्लास? Yes, Ashika, what is the relation between voltage and current in capacitor capacitive load? Yes, anybody, इसको पता है वो बता सकते हैं, ऐसा कुछ ये नहीं है. In capacitive load, the voltage will leads और क्या होता है, किसी को पता है कुछ? हाँ, आई विल टेल यू, डोंट बॉदर अबाउट दिस. इन कैपेसिटिव लोड करंट विल लैग टू वोल्टेज बाय 90 डिग्री इन प्योर कैपेसिटर और सिमिलरली इन इंडक्टर करंट विल लैग बाय 90 डिग्री टू वोल्टेज
आई एम टॉकिंग अबाउट प्योर इंडक्टर एंड प्योर कैपेसिटर. सो लेट अस डिस्कस हियर स्टार्टिंग टॉर्क. द सिंगल फेज मोटर स्टार्टिंग टॉर्क इज जीरो, पल्सेटिंग सिंगल फेज मैग्नेटिक फ्लक्स. द स्टार्टिंग ऑफ मोटर रिक्वायर्स द जनरेशन ऑफ रोटेटिंग मैग्नेटिक फ्लक्स सिमिलर टू रोटेटिंग फ्लक्स इन थ्री फेज इंडक्शन मोटर. यहाँ पे फ्लक्स क्रिएट हो रहे हैं बट वो रोटेटिंग नहीं है. ओके, हाफ साइकिल तक 0 to 180 तक जो है पॉजिटिव है, फिर उसके बाद में नेगेटिव हो रहा है. टू परपेंडिकुलर कॉइल्स हैव करंट ऑफ 90 डिग्री आउट ऑफ फेज कैन जनरेटेड नेसेसरी रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड विच स्टार्ट द मोटर्स. वही बोला है यहाँ पे कि बाय क्रिएटिंग द फेज शिफ्टिंग मोटर कैन बी स्टार्ट. देयरफॉर द सिंगल फेज मोटर आर बिल्ड विथ टू परपेंडिकुलर वाइंडिंग. देखिए यहाँ पे मैकेनिकल भी आप लोगों को फेज शिफ्ट क्रिएट करना है एज वेल एज इलेक्ट्रिकल भी करना है. तो मैकेनिकल फेज शिफ्टिंग जो होता है दैट इज वेरी इजी. ओके, द वाइंडिंग आर स्टार्टिंग विथ The winding are starting is called as auxiliary winding and the running winding is called as the main winding. So therefore we need here two windings. One is starting winding and the second one is running winding. तो यहाँ पे हम लोग और बट हाँ हाउ फेज शिफ्टिंग इज अचीव्ड बाय कनेक्टिंग दिस लोड्स और मटेरियल डिफरेंट टाइप्स ऑफ मटेरियल. तो यहाँ पे देखिए सबसे पहला क्या किया है, रेजिस्टेंस स्प्लिट किया है. स्प्लिटिंग बोलते हैं इसको, स्प्लिटिंग मींस डिवाइड करना. क्योंकि क्या होता था कि फॉर सिंगल फेज साइकिल द रिजल्टेंट टॉर्क विल बी अ जीरो, बिकॉज फॉर पॉजिटिव हाफ साइकिल देयर विल बी अ पॉजिटिव टॉर्क एंड फॉर नेगेटिव हाफ साइकिल देयर विल बी अ नेगेटिव टॉर्क. देयरफॉर द रिजल्टेंट बोथ विल बी अ जीरो. देन वी हैव टू डोमिनेट वन नेगेटिव टॉर्क एंड योर मोटर विल बी रोटेट अकॉर्डिंग टू पॉजिटिव टॉर्क. सो वी हैव टू क्रिएट हियर फेज शिफ्टिंग मैकेनिकली एज वेल एज इलेक्ट्रिकली. द मैकेनिकल फेज शिफ्टिंग कैन बी अचीव्ड बाय बस जस्ट चेंजिंग द लोकेशंस ऑफ द वाइंडिंग. बट टू मेक द फेज शिफ्ट ऑफ द इलेक्ट्रिकल फेज शिफ्टिंग वी हैव टू यूज डिफरेंट टाइप्स ऑफ द मटेरियल जस्ट लाइक एज अ इंडक्टेंस रेजिस्टेंस कैपेसिटेंस. So according to use of the resistance, capacitance, inductance, there are different types of the single phase induction motor. But most frequently uses the capacitor to generate the starting torque, because capacitor will not store the will not consume the any energy. And the second thing is, by using the capacitor, the starting torque of the induction motor will be I'm sorry, starting torque of the induction motor will be high. So let us discuss here. So here, single phase induction motor are classified and named according to method employed to make themselves start. अब split बोले तो क्या होता है? Split means दो करंट है, मान लीजिए एक. अब देखिए यहाँ पे जो करंट है, करंट को क्या करना है, आपको शिफ्ट करना है 90 डिग्री. तो यहाँ पे शिफ्टिंग करने के लिए आप लोगों को सबसे पहले यहाँ पे एक तो रेजिस्टिव लोड होना चाहिए और दूसरा जो होना चाहिए आइदर कैपेसिटी और इंडक्टिव. सो बट आप सभी को पता है माई डियर स्टूडेंट्स, टू क्रिएट अ मोर फ्लक्स वी रिक्वायर इंडक्शंस एंड इंडक्शन मीन्स इंडक्टर. देयरफॉर द मेन वाइंडिंग शुड हैव अ हाई इंडक्टिवली. मेन वाइंडिंग जो है वो हाई इंडक्टिवली होना चाहिए. सो स्प्लिट फेज इंडक्शन मोटर द स्टार्टेड बाय टू फेज मोटर एक्शन थ्रू द यूज ऑफ ऑक्सिलरी वाइंडिंग एंड द मेन वाइंडिंग एंड द सेकेंड वन इज कैपेसिटर मोटर. कैपेसिटर मोटर मीन्स मेन वाइंडिंग विल बी इंडक्टिव एंड द ऑक्सिलरी वाइंडिंग और स्टार्टिंग वाइंडिंग. द नेचर ऑफ द ऑक्सिलरी वाइंडिंग मे बी अ कैपेसिटी. स्टार्टेड बाय टू फेज मोटर एक्शन थ्रू द यूज ऑफ ऑक्सिलरी वाइंडिंग एंड द कैपेसिटर्स. कैपेसिटर स्टार्ट इंडक्शन मोटर्स. कैपेसिटर स्टार्ट, कैपेसिटर रन इंडक्शन मोटर. कैपेसिटर स्टार्ट एंड कैपेसिटर रन इंडक्शन मोटर, ये तीन टाइप होते हैं. और हमारा चौथा टाइप, तीसरा टाइप जो है वो होता है शेडेड पोल इंडक्शन मोटर. शेडेड पोल इंडक्शन मोटर में ऑक्सिलरी वाइंडिंग जो होती है दैट इज नॉट कनेक्टेड टू द सप्लाई.
The EMF induced in a auxiliary winding is due to only electromagnetic inductions, just like as a transformer. Okay, so let us discuss here one by one here. So this is your split phase induction motor. Please concentrate on here, my dear students. Yes, what you can see here. Now you can see here why single phase induction motor is not a self starting, because there is no phase shifting. Okay, the positive and negative torque resultant will be zero, therefore it is necessary to create the phase shifting, mechanical as well as electrical. So mechanical jo phase shifting hai wo do winding ko perpendicular rakh denge, wo ho jayega. But yahan pe electrical phase shifting kaise karenge? Yes, it can be achieved by two different types of the materials. So let us discuss here. तो यहाँ पे मुझे कुछ बात आप लोगों को बताना है. अब यहाँ पे मेन वाइंडिंग है और ऑक्सिलरी वाइंडिंग है, तो मेरा क्वेश्चन ये है कि मेन वाइंडिंग जो होती है वो हाईली इंडक्टिव और रिएक्टेंस, रिएक्टेंस मीन्स इंडक्टिव रिएक्टेंस. ओके, मेन वाइंडिंग जो है वो हाईली रिएक्टिव होती है, बिकॉज द वर्क ऑफ द मेन वाइंडिंग इज टू प्रोड्यूस द फ्लक्स. यदि वो ज्यादा उसमें रेजिस्टेंस होगा, ज्यादा उसमें रेजिस्टेंस होगा तो रेजिस्टेंस विल कंज्यूम द मोर पावर. देयरफॉर व्हाइल डिजाइनिंग द मेन वाइंडिंग, द नेचर ऑफ द मेन वाइंडिंग शुड बी अ हाई इंडक्टिव रिएक्टेंस. ओके, ये पहला रीजन हो गया. और ऑब्वियसली इंडक्टेंस ज्यादा है तो रेजिस्टेंस क्या रहेगा, लो रहेगा. अब ऑक्सिलरी वाइंडिंग देखिए, ऑक्सिलरी वाइंडिंग यदि हम लोग हाईली इंडक्टिव बनाते हैं तो दोनों का नेचर सेम होगा, और दोनों का नेचर सेम होने की वजह से, दोनों का नेचर यदि सेम रहा तो फेज शिफ्ट क्रिएट होगा ही नहीं, फेज शिफ्ट क्रिएट होगा ही नहीं. ओके, सो देयरफॉर टू क्रिएट द फेज शिफ्टिंग, टू क्रिएट द फेज शिफ्टिंग हियर नेचर ऑफ द वन वाइंडिंग इज इंडक्टिव एंड द नेचर ऑफ द रिमेनिंग अदर वाइंडिंग इज रेजिस्टिव. आप लोग यहाँ पे फेजर डायग्राम में देख सकते हो, मैं आप लोगों को फेजर डायग्राम समझाता हूँ, डोंट बदर अबाउट दिस. So this is the split phase induction motor. So let us start here the working principle. The split phase induction motor is consist of two windings, namely the one is main winding and the second one is auxiliary winding. The auxiliary winding having the centrifugal switch, the work of the centrifugal switch is when the motor speed is reaches to 75% of its rated speed, it will disconnect auxiliary winding from the main supply. Is it clear to all? समझ में आया क्या सबको? तो ये यहाँ पे auxiliary, अपने auxiliary winding क्या होती है? Disconnected होती है, but कब? जब 75% speed पे वो चली जाती है. तो यहाँ पे तो ज्यादा कुछ बताने जैसा नहीं है. Just we have to remember two point here. The mechanical phase shifting is provided by changing the locations by keeping both windings perpendicular, and the electrical phase shifting is done by using two different types of material, the main winding having the high reactance and the auxiliary winding having high resistance. That means what? The current flowing through these two winding will be a different, and therefore the resultant current will be a different, and therefore there will be a वन टॉर्क विल बी डोमिनेटेड एंड दूसरा टॉर्क जो है ज्यादा हो जाएगा, और उसकी वजह से हमारी मोटर जो है रोटेट हो जाएगी. एंड द सेकंड थिंग इज, जैसे ये मोटर स्टार्ट होती है, क्योंकि हमने मोटर को क्या करना है, हमें सिर्फ वापस स्टार्टिंग के लिए हेल्प करना है. यदि हम लोग उसको रोटेशन में ऑल टाइम यदि हेल्प करेंगे, द पावर कंजम्पशन विल बी अ मोर. देयरफॉर टू रिड्यूस द पावर कंजम्पशन, ऑक्सिलरी वाइंडिंग मस्ट बी अ डिसकनेक्टेड फ्रॉम द सप्लाई, एंड फॉर दैट वी आर गोइंग टू यूज centrifugal switch. So here the use of the centrifugal switch is to disconnect the auxiliary winding or starting winding from the main supply when the speed is reaches to, when the speed is reaches to
सो So in this way, we can see that the splitting is done by using two different types of materials. So you can see here the phasor diagram. The both windings are connected across the supply in parallel or across the single phase supply. Therefore, the voltage will be the same for both currents. The current flowing through auxiliary winding is IA, and the current flowing through main winding is IM. You can see here the nature of the auxiliary winding is low reluctance. Low reluctance, therefore it is high resistivity. High resistivity means in phase होता है, but यहाँ पे थोड़ा सा रिएक्टेंस होने की वजह से लैग हुआ है. और नेचर ऑफ द मेन वाइंडिंग इज हाईली इंडक्टिव, therefore इट इज मोर लैगिंग एंड द रिजल्टेंट ऑफ द करंट बोथ वाइंडिंग करंट विल बी आई. ओके, इट इज क्लियर टू ऑल. सो हियर दिस इज द वर्किंग प्रिंसिपल. आई एस लैग्स बाय वी, लो रिलक्टेंस एंड हाई रेजिस्टेंस. आई एस मीन्स आई ए भी बोल सकते हैं हम लोग उसको. देन आई एम लैग्स वी बाय वेरी लार्ज एंगल ड्यू टू हाई रिएक्टेंस. द स्टार्टिंग टॉर्क प्रोपोर्शनल टू साइन थीटा. ओके, डिसकनेक्टेड द स्विच आफ्टर द 75% ऑफ इट्स स्पीड रीचेस. ऑपरेशन ऑफ सेंट्रीफ्यूगल स्विच. It is connected in series with the auxiliary winding and mounted on a rotor shaft when the motor started and reaches 75% of the synchronous speed. The centrifugal switch is mechanically opened and in running condition auxiliary winding remains cut out from the circuit. Therefore, motor runs on only main winding. Okay. So what is the purpose of the starting winding? Just for provide the starting torque to the single phase induction motor. Okay, when we are going to use a centrifugal switch. So characteristics हम लोग देख सकते हैं. स्टार्टिंग टॉर्क जो होता है इसका 1 to 5 times टू टू टाइम्स फॉर द फुल लोड होता टॉर्क होता है. स्टार्टिंग करंट जो होता है, हाँ, द स्टार्टिंग करंट विल बी अ मोर इन ऑल मोटर्स. देयरफॉर वी आर गोइंग टू यूज स्टार्टर्स. स्टार्टर मीन्स टू लिमिट द स्टार्टिंग करंट. ओके, स्टार्टिंग करंट ऑपरेटिंग पावर फैक्टर जो होता है 0.55 to 0.65 होता है. एफिशिएंसी जो होती है 60 to 65% होती है. एंड द पावर रेटिंग 1/6 to 1/3 HP होता है. एंड स्पीड इज नियर लो 1440 होता है. एंड व्हाट इज द एप्लीकेशंस ऑफ दिस मोटर? इट हैज लो स्टार्टिंग करंट एंड मॉडरेट स्टार्टिंग टॉर्क. इट इज यूज ओनली फॉर स्टार्टेड लोड्स एंड टिपिकल एप्लीकेशन इंक्लूडिंग द फैन, सॉ मशीन्स, वॉशिंग मशीन्स, grinders and blower etc. Okay, this was the discussions about all about split phase induction motor. So let us discuss capacitor induction motor.